सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में 15,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को हाउडी मोदी नाम दिया गया है। ये पहली बार होगा जब दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के प्रमुख एक मंच से किसी रैली को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 50,000 अमेरिकी भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के एक मंच से रैली को संबोधित करने से भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर ट्रंप को शुक्रिया कहा और इसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूती की पहचान बताया। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये पहली बार है जब ये दो देशों के बड़े नेता एक साथ एक रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और क्योंकि बीजेपी के लिए खास तौर से बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री का पहले से कार्यक्रम तय था। 22 सितंबर को हाउडी मोदी करके वहां पर कार्यक्रम किया जाएगा और इसे अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और पिछले काफी समय से बीजेपी और इसके जो सहयोगी संगठन है वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लोगों के बीच मुलाकात कर रहे थे और अब ये खबर आना कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इसमें शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है और ये भी दोनों नेता वहां पर संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री ने खुद भी इस मामले में धन्यवाद दिया है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि रहेगी जब प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के अमेरिकी जो हिंदुस्तानी वहां पर रह रहे हैं उन्हें संबोधित करेंगे और उसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां पर रहेंगे और वो संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके का ऐतिहासिक इवेंट पहले कभी किसी राजनीतिक दल ने अपनी तरफ से आयोजित नहीं किया है।